काम है यार, क्या करे बंदा। थोड़ी देर रेस्ट ही कर लेते। ईद का बड़ा रश है, बड़ा तंग किया हुआ यार लोगों ने, क्या करें क्या करें। आ जाएं, दुकान है खुली हुई है। आप दर वो जी, ये ना मैंने कल शादी पे जाना है, ये सूट तैयार कर दे। नहीं इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। क्यों टाइम नहीं है? ईद का रश ही बहुत है, हम तो पहले तंग हुए पड़े हैं काम कर कर। नहीं हम पहले भी इधर से सिलाते हैं तो मेहरबानी हो। वो तो आपकी बात सही है लेकिन हमारे पास रश बहुत है। ये क्या बात है, सीधे के देना या नहीं देना? ये सीधे के देना है, और जब मैं तुम्हें फोन करता हूँ तुम नखरे करती हो। मैंने कितनी बार फोन किया है कि दोस्ती मुझसे कर लो, बड़े नखरे आते हैं। अभी सूट सिला दूंगा, कोई मसला नहीं। तुम लिफ्ट नहीं करवाती हो। रोजाना मैंने ये बोला है मैंने कल शादी पे जाना है। हाँ तो जाना है तो ठीक है, रोजाना गली में पता है तुम्हें देख के मेरा दिल कितना ऊपर नीचे होता है। एक तुम तो पूरे मोहल्ले में हो जो मुझे अच्छी लगती हो, तुम ही लिफ्ट नहीं करवाती। फिर जब काम आए तो मुझे कपड़े सी के दे दो। ये क्या बात हुई, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? सही कर रहा हूँ, जिस बंदे का दिल जल रहा हुआ हो तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, सी के देता हूँ। और जो है वो खड़ी हो जाए, ये दुपट्टा उतारे, ये सब कुछ उतारे। क्या मतलब? दुपट्टा उतारे ना, कपड़े नहीं सिलाई कर लूं। अच्छी वाली सिलाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे फिट करूंगा कि आप याद करोगे। एक मिनट हो गया। हाँ 18 ठीक है।33 33 ठीक है। हाँ जी इधर खड़ी हूँ। साढ़े 34 34 ठीक है। पीछे ऐसे इधर 15.5 इधर ऐसे 15 ठीक है। ये ऊपर उठाओ कमीज, ठीक है। आपका सूट तैयार हो जाएगा जल्दी, सुबह दोपहर को मुझे सूट चाहिए, जल्दी सी के देना, मुझे शादी पे जाना है। ठीक है जल्दी चाहिए तो फिर वो आ जाओ। क्या हो ना मतलब? आ जाओ क्या? कल मैं आ रही हूँ, ठीक है? सूट मेरा सिला होगा। अब तो सूट ऐसे सीऊंगा कि आप याद करो। जल्दी करना।